नमस्कार, मैं संजय सनम, आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज। मेरी इस वॉइस क्लिप के बाद एक वीडियो है बरहा धाम श्री हाथीवान महाराज जी का। वो वीडियो खास है, खास इसलिए है क्योंकि उस वीडियो के साथ कुछ असमंजस है, कहीं संकोच है, और उस असमंजस और संकोच को खुलकर मैंने अपनी आवाज दी है, अपनी बात रखी है। विवर्स देविक शक्तियां हमारे मन को जानती है, उनसे कुछ छिपा नहीं रहता, इसलिए उनसे तो छिपाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। हम पूजा कितनी मन से देते हैं, कितनी पूर्णता के साथ देते हैं, या पूजा के देते वक्त भोग प्रसाद चढ़ाते वक्त हमारे मन में कोई संशय रहता है, कोई असमंजस रहता है, देविक शक्तियां सब जानती है। और उसी असमंजसता को मैंने अपने उस क्लिप में, जो इस मेरी वॉइस क्लिप के बाद आने वाली है, उसमें बयान किया है। उस वॉइस क्लिप में जो कुछ बातें आने वाले वीडियो में कही जाएगी वो कुछ अलग हट करके होगी, लेकिन इस क्लिप के साथ जो बरहा धाम के पुजारी जी कह रहे हैं उस क्लिप को सुनना महत्वपूर्ण है। यद्यपि वो प्राचीनता को नहीं बता पा रहे हैं क्योंकि उनकी श्रद्धा अपने आराध्य पर है, इसलिए न तो उन्हें इतिहास से मतलब है, न उसे भविष्य से मतलब है। वर्तमान जहां पर वो है वो उनके अपने आराध्य के साथ है, और ये श्रद्धा है, ये आस्था है, इसे मैं प्रणाम करता हूं। प्राचीनता से संबंधित कुछ बातें पंडोकर सरकार के श्री गुरुशरण जी महाराज जी ने अपनी वार्ता में बताई थी, और मुझे लगता है कि कुछ बातें मुझसे छूटी है। अगर मैं उनसे सवाल कर लेता तो उसका जवाब भी मिल जाता। जैसे कि हाथीवान महाराज जी की श्रद्धा श्री हनुमान जी पर कैसे हुई, जैसा कि कहा जाता है कि वो एक पहले हिंदू थे, मुस्लिम धर्म शायद स्वीकार कर लिया था, और उसके बाद भी हनुमान जी पर उनकी श्रद्धा होना यह बहुत बड़ी बात है। और यह सवाल मैं आदरणीय गुरुशरण जी महाराज जी से नहीं कर पाया, मैं चूक गया। बहुत सारी बातें दूसरी हुई जिसका उल्लेख मैं आने वाले वीडियो में करूंगा। और मेरा निवेदन यह रहेगा कि अगर मेरा ये वीडियो आदरणीय गुरुशरण जी महाराज सुन रहे हैं तो वो अपने किसी भी वीडियो में, अपने चलते दरबार में ही सही, वो एक इस छोटे से सवाल की जो पृष्ठभूमि है अगर उसका विश्लेषण कर दें तो मेहरबानी होगी। लेकिन व्यूवर्स, ये पुजारी जी जो बड़े श्रद्धावान हैं और ये जो अपनी बातें बता रहे हैं, उसमें दो बातें महत्वपूर्ण हैं। क्या गुरुशरण जी महाराज हाथीवान महाराज जी के अंश हैं? क्योंकि उन्होंने कहा है, पुजारी जी ने, कि हाथीवान महाराज जी का आशीर्वाद इनके परिवार को है कि तीसरी पीढ़ी में उनका जन्म होगा। तो कहीं ना कहीं हाथीवान महाराज जी के अंश के रूप में, एक अवतार के रूप में गुरु शरण जी महाराज को यहां के लोग समझ रहे हैं। और इस बात को भी मैं स्पष्ट कर दूं कि गुरु शरण जी महाराज से ये मेरी मुलाकात पहली मुलाकात थी, और ये एक संयोग बना शाम के 7-8 बजे से लेकर के 11:30 बजे तक।
8:20 पर उन्होंने सवालों के जवाब देने बंद कर दिए थे, क्योंकि अभी उनका नया नियम बन गया है, हाथीवान महाराज जी का आदेश आ गया है, 8:20 के बाद गद्दी से उतर जाइए। उनका डाटा ऑफ। और उसके बाद उन्होंने शास्त्र सम्मत जितनी बातें बताई, मैं आश्चर्यचकित हो गया कि मंत्र कंठस्थ थे, महाभारत के श्लोक कंठस्थ थे, और इतनी विद्वता। आप किसी भी विषय पर सवाल कर दीजिए, मेडिकल संबंधित चीजें भी वो बहुत खुलकर के बता रहे थे और बड़े तार्किक अंदाज में बता रहे थे। जब विद्वता का यह नमूना मैंने देखा तो मुझे उस वक्त पुजारी जी के उस वक्तव्य की याद आ गई, जिसमें वो कह रहे थे कि गुरु शरण जी महाराज हाथीवान महाराज के अवतार हैं, अंश हैं। ये बड़ी बात है। और इससे पहले अगर मैंने इस बात को सुना होता तो शायद मैं नहीं मानता, लेकिन जब गुरु शरण जी महाराज से मेरी मुलाकात हुई, 4 घंटे तक जो उनसे चर्चा हुई विभिन्न विषयों पर, और उन्होंने जिस तरह से एक एक चीज को स्पष्ट किया, परिभाषित किया, और जो उनकी अपनी, आप ये समझ सकते हैं कि जो सिद्धियों की अटूट कृपा उन पर है, शक्तियों की जो कृपा है, हाथीवान महाराज जी और हनुमान जी महाराज की जो उन पर कृपा है, वो कृपा ऐसे किसी साधारण पुरुष पर नहीं हो सकती। इंसान में भूल चूक होती है क्योंकि इंसान है, लेकिन साधारण और असाधारण की बात जब आती है तो मैं आज ये बात बड़े खुलकर के कहता हूं कि श्री गुरु शरण जी महाराज साधारण पुरुष बिल्कुल नहीं है, असाधारण व्यक्तित्व के मालिक हैं, और कुछ ऐसी शक्तियां इनके पास हैं जो मुझे लगता है सिद्ध पुरुषों के पास ही होती है, या अवतार लिए गए पुरुषों के पास ही होती है। इस विषय पर फिर कभी और चर्चा करेंगे। दूसरा जो विषय है वो असमंजस को मिटाने वाला है। ये एक ऐसा विषय है जिसने मेरी कश्मकश को, मेरे असमंजस को भी काफी हद तक मिटा दिया, कि श्री हाथीवान महाराज मंगलवार को श्री हनुमान जी की सेवा में रहते हैं, वो प्रसाद ग्रहण नहीं करते बरा धाम में। हालांकि श्रद्धालु आते हैं, अपनी श्रद्धा से प्रसाद चढ़ा करके जाते हैं, लेकिन कहा यह जाता है कि मंगलवार को हाथीवान महाराज जी कहीं बरा धाम में ही नहीं रहते होंगे, वो जब हनुमान जी की सेवा में ही रहते हैं। यह भी एक बड़ा तथ्य है। और जो बरा धाम में मंगलवार को जाते हैं, ये उनके लिए भी एक ज्ञानवर्धक जानकारी है कि मंगलवार से अलग दिन आप जाइए, क्योंकि हाथीवान महाराज जब मंगलवार को श्री हनुमान जी की सेवा में रहते हैं तो आप मंगलवार को श्री हनुमान जी की जितनी सेवा करेंगे वहां पर पंडोकर धाम में, वहां हनुमान जी की सेवा से आपके 2 काम पूर्ण होंगे, हनुमान जी भी प्रसन्न होंगे और आपकी वो सेवा, आपकी वो पूजा, आपकी वो भक्ति कहीं ना कहीं हाथीवान महाराज जी तक भी सीधे चली जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। तो व्यूअर्स, मेरी इस वॉइस क्लिप के बाद वो एक वीडियो क्लिप है, बहुत सजावटी नहीं है, क्योंकि मेरे मन में पूरा असमंजस चल रहा था और मैं सवालों के जवाब खोज रहा था। मेरा ध्यान कैमरे पर नहीं था कि कैमरा कितना सीधा चल रहा है, कितना घूम गया है, कितना तिरछा है। मेरे लिए वो जो समय था काफी हद तक आप ये कह सकते हैं कसमकस का था, लेकिन मुझे खुशी है बरा धाम से निकलने के बाद एक गांव आता है और वहां पर के गुप्ता जी मिलते हैं, हमारे मुकेश गुप्ता जी मिलाते हैं। मुकेश गुप्ता जी नहीं मिलाते, मुकेश गुप्ता जी तो माध्यम बनते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हाथीवान महाराज जी मेरे असमंजस को देख करके
शायद ये मुलाकात करवाते हैं और केके गुप्ता जी के माध्यम से वो बातें निकलती है जो आज तक किसी ने नहीं सुनी। वो वीडियो यूट्यूब पर है मेरे चैनल में, उसको भी सुन लीजिएगा। और अभी ये वक्त उस क्लिप को सुनने का है जो बराधाम के पुजारी जी से हमारी बात है और निरंतर मेरा वही सवाल है, मेरी कश्मकश है, मेरा असमंजस है, मेरा सवाल है, खुला सवाल है, क्योंकि मेरे मन में सिर्फ एक ही बात आती है कि मैं भगवती का हूं और मेरी पूजा प्रसाद, मेरा जो पूजा प्रसाद, जो भोग मैं देवी देवताओं को चढ़ाता हूं, वो वहीं जाना चाहिए जहां भगवती, जहां हनुमान जी, जहां भैरव जी, जहां महादेव, जहां देवी शक्तियां, वहां हो। ये असमंजस मेरे मन में थी, लेकिन जब भगवती ले आई, भगवती ने पूजा प्रसाद चढ़वा दिया, तो मुझे लगता है ये उसकी कृपा रही है, ये उसकी सहमति रही है, ये उसकी स्वीकृति रही है। फिर भी असमंजस तो था और वो वीडियो में आपको निश्चित रूप से पता चलेगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब वो वीडियो क्लिप शुरू होती है। बहुत बहुत आभार, नमस्कार। तो व्यूअर्स, यातिवन महाराज जी के पास का ये दृश्य है, धाम का दृश्य है, बरहा धाम। और पूजा पद्धति हमने आपको दिखाई थी, पहले भी दिखाई थी, और यहाँ पर ये प्रेत सरकार, प्रेत राज, प्रेत महाराज है। उधर समाधि वाले बाबा जी का है और वहाँ पर सिद्धों की गुफा है। ये सिद्धों की गुफा है। सिद्धों की गुफा है, वहाँ भगवती का भी एक स्थान रखा है जो कि यहाँ पे होना है, निर्माणाधीन है। और हमारे साथ यहाँ के पुजारी जी हैं, तो हम यहाँ के पुजारी जी से इस परिसर के, इस धाम की प्राचीनता की बात करेंगे। सबसे पहले सर, आपका नाम? हमारा नाम हर सेवक शर्मा है जी। हर सेवक शर्मा। हर सेवक शर्मा। तो शर्मा जी, सबसे पहले ये बताइए कि ये जो बरहा धाम है, हाथीवान जी महाराज जी के इतिहास के बारे में थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को बताइए। महाराज जी का इतिहास आज से 400-500 साल पुरानी है। इनकी कथा, पहले इनकी सेवा, मतलब इतनी इनकी गाथा है जो कम थी, क्योंकि लोग कम लोग आते थे। अब क्या हुआ कि हमारे मौसा जी और ताऊ जी ने इनकी तब से सेवा ज्यादा की। मौसा जी माने गुरु जी के बाबा जी, हमारे ताऊ जी ने सेवा करने का उनको, या तो उनकी प्रेरणा हुई जी, जैसे भी हो जी, उनकी इनकी सेवा की। सेवा के बाद उनको आशीर्वाद दिया था हमारे मौसा जी को कि हम तीसरी पीढ़ी में आपके यहाँ जन्म लेंगे जी, जन्म लेंगे। तो आज गुरु शरण जी जो हैं अपने रियल भतीजे हैं, तो उनको अवतार कहें या गुरु शरण कहें, हम तो हमारे लिए तो गुरु शरण है, लेकिन उनके जो आपको लगता है प्राचीन किंवदंती के अनुसार वो अवतार के रूप में है, अवतार के रूप में। आप ये कहना, महाराज जी ने आशीर्वाद दिया था कि हम तीसरी पीढ़ी में आपके यहाँ जन्म लेंगे। अच्छा। हाँ, महाराज जी ने आशीर्वाद दिया था, मतलब हाथीवान महाराज जी ने आशीर्वाद दिया था। महाराज जी ने आशीर्वाद दिया। तो क्या आप ये मानते हैं कि हाथीवान महाराज जी का अंश आ गए अभी? हाँ, हम तो ये मानते हैं, हाथीवान महाराज जी का अंश है, अंश मानते हैं। अच्छा, हाथीवान महाराज जी के बारे में अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, क्योंकि सुनाई पड़ता है, जो कुछ हम सुनते हैं, कि ये मुस्लिम थे। नहीं नहीं, हाँ वो ठीक है। हाँ, क्या है, इनका तो एक अवतार है, गए हाथी पे सवारी उनकी जो होती थी, इसलिए उनका नाम हाथीवान है। वो साक्षात है ब्रह्म है, और फिर किसी के लिए हो ना हो, लेकिन हमारे लिए, हम तो मानते हैं कि हमारे ब्रह्म है, और ब्रह्म परमात्मा जैसे कार्य कर रहे हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जैसे ये हनुमान जी की सेवा में है। हाँ जी, हनुमान जी की सेवा में है, तो इनका इतिहास अगर हम जानना चाहें, जैसे किसी भी देवी देवता की जब हम बात करते हैं, भाई वो उनका कहाँ जन्म हुआ, कितने साल पहले जन्म हुआ, कैसे अवतार हुआ, कैसे उनके परिचय हुए, कैसे लोगों को पता चला, तो वो सारी बातें आती है उसमें। तो इसमें जैसे आपके बारे में, आपके पास जो भी जानकारी है,
कि ठीक है, देखो हिंदू मुस्लिम की तो अलग बात है, बात यह है कि यह हनुमान जी की सेवा में, हनुमान जी की सेवा की, तो हनुमान जी की सेवा में है तो सनातन इनके साथ जुड़ गया है, सीधी सी बात है, सनातन इनके साथ जुड़ गया है। और हम ये भी मानते हैं कि हमारे यहाँ हम हिंदू मुस्लिम करते हैं, शक्तियां जब आपस में चलती है तो वो हिंदू मुस्लिम नहीं होती, ये भी हमारी जानकारी में है कि शक्तियां आपस में हिंदू मुस्लिम नहीं करती। और अगर ये मुस्लिम वाली बात होती तो फिर यहाँ रामायण का पाठ क्यों होता, फिर रामायण के पाठ की आवश्यकता क्या थी? तो ये भी चीज हम देख पा रहे हैं। इसलिए हमारा, देखिए ये बात मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूं, क्योंकि एक समय साल डेढ़ साल पहले ऐसा समय था जब ये सवाल उठे थे कि वो मुस्लिम है, वो मुस्लिम है, मुस्लिम की पूजा हो रही है। तो मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा इसको अगर क्लियरिफाई कर दो, तो क्या है, सनातन जो भी आता है, मैं भी जब यहां आया हूं मेरे मन में भी संशय था, मैंने भी अपनी भगवती से कहा कि मैं जाऊं नहीं जाऊं, संशय था, लेकिन मैं क्यों आया, गुप्ता जी से मैंने पूछा हनुमान जी की सेवा में है क्या, हनुमान जी की सेवा में है तो मैं प्रणाम सबको करूंगा, चाहे हिंदू का हो चाहे मुस्लिम का हो, शक्तियां हमसे बड़ी है, इसलिए सर तो हम झुकाएंगे, सर तो सब जगह झुकाएंगे, लेकिन जो हमारी पूजा है वो हम वहीं देंगे जहां हमारी श्रद्धा आएगी। हमने यहां पर जो पूजा दी है वो इसलिए दी है कि यहां पर हनुमान जी का नाम जुड़ा है, हनुमान जी, सीधी सच्ची बात है, हमने पूजा तभी दी है कि यहां हनुमान जी का नाम जुड़ा है, और हमने हनुमान जी को याद करके, भगवती को याद करके पूजा दी है। हम चाहे यहां भी गए हो, हम चाहे वहां भी गए हो, हम चाहे वहां भी गए हो, हमने, मैं अपनी बात बता रहा हूं, तो मैं जब अपनी बात बता रहा हूं इसी लिहाज से मैं आपसे पूछता हूं कि बहुत सारे लोग जब यहां आएंगे तो उनके मन में भी ये सवाल होंगे, और हो सकता है कई बार लोग आ जाते हैं भी पूजा करने आ गए या प्रसाद चढ़ा दो, तो वो पूजा नहीं होती, मन में भावना आपकी पूजा वाली हो जानी चाहिए, आप डर से चढ़ा रहे हैं, आप भीड़ में आ गए, कोई क्या समझेगा इसलिए चढ़ा रहे हैं। मेरे मन में असमंजस था, मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ, सही बात है, आप असमंजस था, मैं चुप, मैं पत्रकार हूँ, मैं वीडियो बना करके चला जाता, लेकिन मैंने, गुप्ता जी गवाह हैं, गुप्ता जी से गाड़ी में मैंने पूछा, हनुमान जी के सेवक है क्या, परम भक्त है, हनुमान जी के भक्त है क्या, हनुमान जी का अगर कोई भक्त है तो वो फिर हम उसके सामने सर झुकाएंगे, ये हमारी भावना है, वो हनुमान जी के परम भक्त हैं। मंगलवार को पूजा दिन लेते वो, मंगलवार को हनुमान जी की सेवा में रहते हैं। आपने अब ये बात आई ना, मैं यही बातें सुनना चाहता हूँ, मंगलवार को जो है, वैसे अब यात्री लोग आ जाते हैं तो फिर ठीक है, लेकिन मंगलवार को जो है वो पूजा ग्रहण नहीं करते, वो हनुमान जी की सेवा में रहते हैं, मंगलवार हनुमान जी की सेवा में रहते हैं। अच्छा, हाथीवान महाराज जी के पास जो भी शक्तियां हैं वो हनुमान जी द्वारा प्रदत्त है? बिल्कुल। थोड़ा सा इतिहास अगर आप बता सकें कि समाधि यहाँ पर इनकी कैसे बनी, क्या कोई घटना हुई थी? भाई ये तो 400-500 साल पुरानी बारी, इसके बारे में तो हमारे गुरुजी बता सकते हैं केवल, इसके बारे में भाई हमको ज्यादा जानकारी नहीं रखते, क्योंकि गुरुजी जो है, अब चलिए हम गुरुजी से बात करेंगे, जब आपने इतनी बात कह दी अब बाकी की बात हमारी गुरुजी से होगी। अब आप हमें ये बताइए, आप यहाँ पर सेवा कर रहे हैं, अब एक तो आप ये कह रहे हैं अभी हमारे आराध्य हैं, हमारी श्रद्धा, इसलिए हम सेवा कर रहे हैं, आपको अनुभूति क्या हुई आप ये बताइए। हमको तो पर्याप्त अनुभूति है, हाँ वो बताइए। हमको तो ये अनुभूति है कि अभी अभी परसों के दिन एक कैंसर वाला पेशेंट आया था, पिछली अमावस्या को आया था, उसको मात्र भभूति दे दी और मैंने कह दिया कि आप इसकी जांच कराना, और उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई, पहले पॉजिटिव था लेकिन नेगेटिव रिपोर्ट आई। ऐसे कई प्रमाण हैं आके, कई मतलब ये जीवन दे रहे हैं, रोग दूर कर रहे हैं, शरीर की जो आपदा है विघ्न है दूर कर रहे हैं, तो शरीर के रोग दूर कर रहे हैं और ऊपरी शक्तियां भी दूर कर रहे हैं, ऊपरी अगर कोई नकारात्मक शक्ति का प्रभाव है तो उसको भी हटा रहे हैं, तो एक तरह से आशीर्वाद इनका है, बड़ा आशीर्वाद है, हनुमान जी के माध्यम से हो रहा है, हनुमान जी की शक्ति के माध्यम से हो रहा है, ये बात आपने कही है। और फिर जो कुछ भी आपको सामने, महाराज के आशीर्वाद से हमारे गुरु जी जो है आजकल आपको ऑल इंडिया का विश्व में फेमस हैं, तो सब महाराज के आशीर्वाद से ही है, जो भी कुछ होता है बगैर महाराज जी के गुरु जी कुछ नहीं करते, महाराज जी की जब तक, और बगैर हनुमान जी के महाराज जी कुछ नहीं करते, वो तो लिंक है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट हनुमान जी है,
सुप्रीम कोर्ट हनुमान जी है और हनुमान जी की कृपा के साथ हाथीवान महाराज जी चलते हैं, हाथीवान महाराज जी फिर अपने भक्तों पर कृपा करते हैं, ये कृपा करते हैं, तो सीधी बात है ये। तो व्यूवर्स, बहुत सारी असमंजस की स्थितियां मैंने पहले भी समझी थी, सुनी थी, आज मैं आया हूं, मैं फिर खुल के कह रहा हूं, मैं 3 बार सोचने को मजबूर हुआ कि क्या मुझे पूजा देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए। मैं भगवती का भक्त हूं, मैं भगवती का भक्त हूं, और आखिरकार जब इन्होंने हनुमान जी की बात कही, मैं आता सब जगह हूं, सर झुकाता हूं सब जगह, मैं किसी का सम्मान नहीं करता, शक्तियां हमसे बड़ी है, इसलिए मैं प्रणाम करूंगा, लेकिन मेरी पूजा कहां जाएगी? वो मैं भगवती, मेरी आराध्य भगवती है, उससे ऊपर मेरे लिए कुछ नहीं है। तो मैं फिर भगवती को मैंने मनी मनी निर्णय मतलब पूछा, अगर तुमको पूजा दिलवानी है तो दिलवा देना, नहीं दिलवानी है तो मुझे कह देना कि भाई मैं सीधा जाऊं पूजा, मैं हाथ जोड़ के आ जाऊं। हनुमान जी का जिक्र इन्होंने कर दिया। अब हनुमान जी का जिक्र जहां हो गया, भगवती के साथ हनुमान जी और भैरव जी चलते हैं, तो जहां हनुमान जी और भैरव जी रहेंगे, भगवती रहेगी, महादेव रहेंगे, वहां हम झुके हुए हमेशा रहेंगे। ये सीधी सी हमारी अपनी कहानी है, वो आपको फिर पहुंचा रहा हूं। ये बात डिटेल में इसलिए की है ताकि मेरे जैसे बहुत सारे व्यूवर्स हैं जिनके मन में ये असमंजस हो सकता है, और आज गुरु जी से, अभी जो आपसे मुझे सवालों के जवाब नहीं मिले हैं, जो मैं प्राचीनता जानना चाहता था, ये हनुमान जी के भक्त कैसे बने, इसकी भी कोई गाथा है, ऐसे ही नहीं बने, कोई ना कोई इनके साथ भी चमत्कार हुआ है, तब इन्होंने हनुमान जी की शरण ली है। तो मैं उस जड़ को पकड़ना चाहता हूं और उस जड़ की बात को मैं लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। लेकिन एक बात है, रामायण का पाठ मैंने देखा है, यहां हो रहा है, इसलिए मेरे मन में एक तसल्ली हुई, ये मुझे अच्छा लगा है। मैं इस परिसर को प्रणाम करता हूं। असमंजस था, महाराज जी तो हाथीवान महाराज जी से छिपा नहीं है, वो सब समझ गए हैं, मेरी पूजा को देख करके भी समझ गए हैं, मैं अलग अलग जगह जा रहा था, मैं सही बात यही है, अभी भी पूजा में पूर्णता का भाव नहीं था, इस बात को मैं स्वीकार कर रहा हूं, ये सच्चाई है मेरी, लेकिन हनुमान जी का नाम था इसलिए मैंने सब जगह पूजा दी है, हनुमान जी का नाम लेकर के दी है कि ये पूजा वहां तक जा रही है, भगवती तक जा रही है, उनके माध्यम से सब जगह जा रही है। जब भी महाराज की गुरु जी पे सवारी जब आती है तो हनुमान जी का नाम सबसे पहले लेके, जी हनुमान जी, जय हनुमान जी, जय हनुमान जी, देखो पहले उनको जयकारा लगाते हैं। देखो पुजारी जी, ये आपने देखा है इसलिए आपके मन में भाव है, आपने नहीं, मैंने नहीं देखा, मैंने नहीं देखा, और मैंने कुछ वीडियो में कई जगह, चूंकि मैं दरबारों के वीडियो लेता हूँ, गुप्ता जी को मालूम है, बहुत सारी चीजें उठी है, बहुत सारी चीजें उठी है, लेकिन मैं सभी शक्तियों का सम्मान करता हूँ, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। अगर कोई भी साधक किसी भी दैविक शक्ति का सहारा लेकर के जनकल्याण करता है तो वो शक्ति मुस्लिम भी होती है, जनकल्याण करती है, तो हमें क्या आपत्ति है, हम तो सर झुका देते हैं, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन शक्ति दैविक होनी चाहिए। हम नकारात्मक शक्तियों की बात में हम थोड़े पीछे हैं, हम वहां पर सर नहीं झुका सकते, हमारा सर दैविक शक्तियों के सामने झुकता है। तो चलिए, आपने अपनी बात रखी है, बाकी की बात आपने गुरुजी के लिए छोड़ दी है, तो गुरुजी से ही बाकी की बात होगी। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत शुभकामनाएं।